on Face to Face with Rashi. Meet Mr. Sikander Iqbal. Hi, hello, and welcome, and very happy Valentine's Day. On Face to Face with Rashi, we have a wonderful celebrity guest here, and he's Mr. Sikander Iqbal. He is a fine artist, vocalist, guitarist, he's a musician, he's a songwriter, and he is all in one. And so welcome on the show, Sikander. Thank you, ma'am. Thank and you. Very happy Valentine's Day to you. Thank you, ma'am. And let's start with a beautiful track here. Muskurade, zara muskurade, ae khushi. Gham baat le tu apne, humse tu le hasi. Ho gaye hum ab tere, tu ho gayi apne. Mus mus hasi, teo malai lai, mus mus hasi teo. Zara muskurade, muskurade. Zara muskurade, ae khushi. Jawa dil ki raahon mein kaise khilti hai kali. Tere honton pe basi aisi halki si hansi. Jawa dil ki raahon mein jaise khilti hai kali. Tere honton pe basi aisi halki. फिर क्यों छुप रही हो अपनी बातें तो सुनाओ गुमसुम सी ना रहो तुम अब जाना मुस्कुराओ हाँ हाँ मुस मुस हंसी त्यों मलाई लाई मुस मुस हंसी त्यों ए जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी It's awesome. It's beautiful, beautiful, and wonderful. Thank you. Hi, hi. Sikander Iqbal and Mr. Alexander Iqbal. तो सच्चाई तो ये सिकंदर was Alexander and Alexander Sikander. But इसके पीछे की कहानी हम जरूर जानना चाहेंगे. Okay. तो मैं start करता हूँ actually मेरा जहाँ बचपन बीता है, जहाँ से मैं belong करता हूँ. I'm from Gorakhpur. So, आपका birthplace है गोरखपुर? Actually, birthplace is not exactly my गोरखपुर. वहाँ से 60 किलोमीटर्स दूर वहाँ पर सिद्धार्थ नगर में मेरा एक छोटा सा गांव है. Its name is उसका बाजार. तो मैं वहाँ से belong करता हूँ. ठीक है. तो आप जाते हैं अभी भी वहाँ? जी, अभी भी मैं जाता हूँ वहाँ पर. मुझे बहुत अच्छा लगता है. खेत खलिहान हरियाली मुझे बहुत पसंद है. तो मुझे एक्चुअली आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ नेचर. ठीक है. तो आप जानती हैं आर्टिस्ट तो वैसे भी नेचर के बहुत करीब होते हैं. जी मेरे चाचा लोग रहते हैं और कुछ रिलेटिव्स रहते हैं पड़ोसी जो बचपन में साथ में रहते थे जिनके साथ मैं खुद खिलता कूदता था तो वही लोग रहते हैं जी. तो स्टार्टिंग एक्चुअली नाम से एक्चुअली इस तरह से कुछ ऐसा है कि इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि 9th स्टैंडर्ड तक मेरा नाम सिकंदर था. तो एक्चुअली मेरे फादर को नाम अलेक्जेंडर पसंद था, ये मुझे बात नहीं मालूम थी. तो नाम अचानक से चेंज हो गया, मुझे पता भी नहीं चला. अच्छा. और जब एट के बाद जब 9th स्टैंडर्ड में जब गया हूँ दूसरे स्कूल में तो वहाँ पर रोल कॉलिंग हो रही थी. okay. तो जब अटेंडेंस कॉल हो रही थी तो बार बार नाम अलेक्जेंडर आ रहा था. एक दिन, दो दिन, तीन दिन मैं ये सोच में पड़ गया कि अलेक्जेंडर कौन है. तो मैं उठ के जाकर मैंने टीचर से पूछा कि मैम बताइए कि ये अलेक्जेंडर कौन है. अलेक्जेंडर तो कोई नहीं है, मेरा नाम तो सिकंदर है. तो नहीं नहीं आप ज़रा आपका नाम करेक्शन हो गया है, आपका नाम अलेक्जेंडर ही है. तो मैं कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में. तो मैं नाराज़ हो गया, मैं घर गया तो मैंने मतलब सामान उठा के फेंकना नहीं शुरू किया. अच्छा, नहीं पसंद आया था नाम. पसंद नहीं आया. okay. कौन सा नाम रख दिया आपने और बिना मेरी परमिशन के. okay. तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया कि पापा ने चेंज कर दिया. तो वो कहीं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हो. तो मैं उस टाइम मैंने मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने खाना भी नहीं खाया था उस रात. तो फिर आज भी लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि एक्चुअल में पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर. That was interesting. Sikandar, ये जो आपका love for music है, ठीक है, ये पहले आया
or your being a fine artist. I've seen your sketching. Your sketch so beautiful. And I've seen your videos, you know, when they go with the songs and all, no? So it comes wonderful. पहले तो fine artist ही आया है. मतलब मैं as a fine artist ही ज़्यादा जाना जाता हूँ. School में और college में भी, even आज भी. तो music तो college के बाद शुरू किया था. तो actually I don't know ये हुआ कैसे, convert कैसे हो गया fine art से अचानक से musician बनना. Maybe because of the late 19th century concept of synesthesia, जिसमें कि हम एक art form के stimulation से दूसरे art form का generation करते हैं. मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि जैसे कोई अगर डांस करता है, बहुत अच्छा डांसर है, ठीक है, तो हो सकता है उसे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट हो, बिकॉज म्यूजिक के बिना डांस होता भी नहीं है. अच्छा, ठीक है, तो अगर वो अच्छा डांसर है तो मे भी हो सकता है म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसको म्यूजिक भी करना पसंद हो, और करते करते वो अच्छा म्यूजिशियन भी बन जाए, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बन जाए. एक अच्छा एंकर है तो हो सकता है आगे जाके अच्छा जर्नलिस्ट भी बन जाए. एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है तो हो सकता है आगे जाकर के वो एक वीडियो एडिटर भी बन जाए. यानी कि जो आपकी एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है. जी हाँ, इन द आर्ट्स. जी हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज सिनेस्थीसिया. दैट्स अ कांसेप्ट ऑफ सिनेस्थीसिया. Fine artist, guitarist, composer, vocalist, and you're a teacher also, and you're a songwriter also. You train your students on guitar and all. Yes, ma'am. So aaj kaise, kab, kitne saal se aap sikha rahe hain? Actually, maine shuru kiya hoon 2015 se sikhana. Okay. Aur aise main pehle to free mein hi sikhate tha. Koi hostel mein koi ladka mere se free mein sikhna chahta hai. या फिर मान लीजिए किसी पास फीस नहीं है देने के लिए, और मान लीजिए कि गरीबी है, क्यों ना, ठीक है, तो लेकिन उसके अंदर पैशन है तो मैं सिखा देता था. फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ. कुछ मेरे भैया लोग थे जो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, और वो मेरे से कहते थे कि तुम्हारे पास नॉलेज तो है पर नॉलेज दो भी किसी को. तो अब मैंने सोचा कि अब मैं किसी को देता भी हूँ, ठीक है, तब मैंने शुरू किया. कि कितने साल हो गए आपको सिखाते हुए? पांचवा साल चल रहा है सिखाते हुए, और प्ले करते हुए तो मुझे आठ साल हो गए. तो स्टूडेंट्स में इन 5 years में कुछ आपको डिफरेंस लगता है कि उनका पैशन टुवर्ड्स म्यूजिक बढ़ा है, या वो और सिंसियर हुए हैं, कि सिंसियरिटी थोड़ी सी कम हो रही है? व्हाट हैव यू सीन एज अ टीचर? व्हाट हैव यू सीन? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले जो कि वाकई बहुत पैशनेट थे. एक्चुअली किसी आर्ट को सीखना, जैसे कि दो तरह से सीखना होता है, लर्निंग बाय थ्योरी एंड लर्निंग बाय ईयर, ठीक है. जो लर्निंग बाय थ्योरी करते हैं वो लर्निंग बाय ईयर उनका इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिनका लर्निंग बाय ईयर होता है उनका थ्योरी पार्ट भी बहुत अच्छा होता है. ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बिकॉज़ एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर आई कैन से कि साउंड इज एवरीथिंग. साउंड इज एवरीथिंग, और व्हाट यू पिक दैट इज थ्रू योर ईयर्स, दैट्स एवरीथिंग. पता है ना, हमने भी गिटार सीखा था. जी ऑफ कोर्स, पता चला है ना. Okay, so this is one of my, I mean, harmonium humne seekha hai, and guitar is my favorite instrument, you can say. So jab koi bajata hai usko na, to like, it's like guitar, ting ting, idhar bajta hai. Alright, Sikander, what about your schooling? Kahan se padhai kiya aapne? Meri schooling Gorakhpur se hui hai. Mere school ka naam Sindhu Public School tha. और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने स्कूल से. वहाँ के टीचर्स आज भी मुझे याद करते हैं, मैं भी उन टीचर्स को याद करता हूँ, ठीक है. वो काफ़ी एज भी हो गई उनकी, अब तो खैर वो फेसबुक पे मैं उनको ढूंढता रहता हूँ, जो मिल जाते हैं उनसे बातें हो जाती, जो नहीं मिलते उनको आज भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है. तो मैं बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ उन लोगों से, और मुझे स्कूलिंग मुझे इतनी पसंद थी. क्लास 8 तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, जो पुराना मेरा स्कूल था, और उसमें से जो कुछ फ्रेंड्स मेरे, कुछ बच्चे कुछ निकले, वो मेरे आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं. मतलब मेरे कुछ बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जो कि मेरा फ्रेंड सर्कल है अपना आज भी गोरखपुर में. चाहे जहाँ चले जाए मुझे पसंद था, और फिर बाद में मुझे म्यूजिक भी अच्छा लगने लगा. म्यूजिक सीखा आपने कहीं से? हाँ, पहले मैंने म्यूजिक सीखा था लखनऊ में. लखनऊ में सीखा. आई वॉज मेरी कॉलेज, मेरा कॉलेज लखनऊ से ही हुआ है. तो कॉलेज के लास्ट ईयर जब स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे मोटिवेट किया कि चलो गिटार भी सीख लेते हैं. तो वही सीखना चाहता था, मुझे नहीं सीखना था, तो मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके जाता था कि नहीं तुझे सीखना तो पड़ेगा. बहुत ही अच्छा वाला दोस्त, वैलेंटाइन दोस्त था. तो हाँ, मतलब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उसका, वेरी मच थैंकफुल टू हिम, कि उसकी वजह से मैंने गिटार सीखा और उसने छोड़ दिया सीखना. लेकिन आज तक मैं, मतलब मैंने पूरा कम्प्लीट कर लिया इसको,
और इतना कर लिया कि अब मैं खुद ही सिखा रहा हूँ दूसरों को. तो एक और सॉन्ग, इट्स वैलेंटाइन्स डे सो वी वुड लव टू लिसन टू वन मोर लव सॉन्ग. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो. जमी को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं. ये रंग है वो रोशनी है Sikander. Music heals, you know. Music, you know, it gives life to people. It helps people in fighting their stress, anxiety, depression. Aapki zindagi mein bhi kuch aise struggles aaye honge jo bahut mushkil waqt raha hoga aapke liye, lekin aap usse aage nikle aur ek sachche dost ne aapka bahut wafadari se saath nibhaya. Of course, na bilkul main is baat ko manta hu aur jaise ki music se matlab mera बचपन से ही लगाव था, बट मुझे नहीं पता था कि आगे जा करके मैं धीरे धीरे इसमें भी आगे मैं बढ़ जाऊंगा और ये टाइम आएगा कि वोकलिस्ट के साथ अच्छा सिंगर के साथ साथ एक अच्छा गिटारिस्ट भी बन जाऊंगा. इवन आई एम आल्सो प्लेइंग सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो, पियानो एंड वायलिन. यू गॉट गिफ्टेड चाइल्ड. तो मैं धीरे धीरे और भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है सीखने में. और वैसे भी सीखने के तो बहुत अच्छे अच्छे मीडियम है, जस्ट लाइक यूट्यूब एंड गूगल. तो बहुत ही एजुकेशनल मीडियम बहुत हमारे टाइम में आ गया है. पहले ऐसा नहीं था कि जब आपके टाइम मतलब बहुत पहले 10-12 साल पहले या फिर कह सकती हैं 15 साल पहले लोग सोचते थे कि हाँ कुछ ही सीखनी है तो मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ या फिर कहीं इंटर्नशिप कर लूँ. तो लेकिन अब यूट्यूब एंड स्किल शेयर, यूडेमी, दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड online courses also. तो लोग इससे भी सीख ले रहे हैं. Very true, but Sikander, I still feel जो आपका एक personal touch होता है with a trainer, with a teacher, वो चीज कोई भी चीज substitute नहीं कर सकती. Exactly. And I very strongly believe in that. Yes, ठीक है. क्योंकि जो लोग आप अगर सीख भी रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई आपको सिखा ही रहा है. Yes, somebody or the other, you know, somebody is teaching you. So I believe the presence, the personal touch of a person, it makes all the difference, right? Of course. Sikander, I would like to know about your favorite color, your song, what you love. खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? तो color से बात करते हैं. I guess black is your favorite color. Yes, ma'am. As you can see. Yeah. Glad the black. Color of glam. I also yes, love black. You know. And my other favorite color is blue. You love blue? Yes, ma'am. Blue and black. Okay. Sometimes कहते हैं ना कि sometimes people are beaten black and blue. ठीक है. आप मेरे को treat पे ले चलते हैं. मैं I'm a vegetarian. Yes, और आप ही मुझे treat दे रहे हैं तो आप मुझे क्या खिलाएंगे vegetarian food में जो आपको भी बहुत पसंद होगा और obviously हमें भी पसंद आएगा. ma'am, as such तो बहुत सारे ऐसे food items हैं. But I will ma'am pizza. Pizza? Okay. Pizza. I will love, you know, that with lot of cheese on it. Yes, ma'am. You like mushroom also?
not so much. अच्छा सुबह से खाना खा लिया या अभी तक क्लासेस ही ले रहे थे आप? नहीं नहीं खाना मैंने खाया है, क्लासेस भी मैं लेता हूँ, सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है. Because you require a lot of energy, you know. This is something very very constructive, so it requires a lot of positive energy. Okay, fine. आपने कुछ girl child के ऊपर भी लिखा. एक बार हमारी आपसे बात हो रही थी, आप गाने भी लिखते हैं, तो कुछ आप हमको सुनाना चाहेंगे? एक्चुअली गर्ल चाइल्ड पे मैंने धुन बनाई थी. एक्चुअली लिखा था ताहिर ने. अच्छा, ताहिर जो मेरा फ्रेंड है. ओके ओके. हां हां, लिखा ताहिर ने था. वो बहुत अच्छे पोएट हैं. आई इंटरव्यूड हिम. या यस मैम. तो मैंने कंपोज किया था और कंपोज करके मैंने कुछ लोगों को सुनाया था. अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट इट्स वन ऑफ माय सिग्नेचर सॉन्ग्स, तो उसको मैं सुनाना चाहता हूं. First song is on Beti. Okay. इसके मैं अंतरे से शुरू करूंगा, because I really love the first antra of this song. Okay. 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 वो एक बीज है, बोए है खुशहाली. वो एक बीज है, बोए है खुशहाली. उसकी एक मुस्कान पे हस्ती डाली डाली, उसकी एक मुस्कान पे हस्ती डाली डाली. खेल खिलौने हैं सब उसके पास, बेटी मेरा जीवन जीने की है आस. फिरती है लेकर वो सारा सारा घर, फिरती है लेकर वो सारा सारा घर. तितली से है रंग और नाजुक छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो अपने मम्मी डैडी की, स्पेशली डैडी की फेरीज होती हैं. और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो हमेशा ऐसे ही ब्यूटीफुल खुश रहें और उन्हें खुश रखा जाए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिकंदर. मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सिकंदर. एंड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल कि आज के जो यूथ है उसको आप बताना चाहते हैं, बॉयज को आप क्या बताना चाहते हैं? वेन वी हम आपको सिकंदर, अभी हम एक सीरीज भी कर रहे हैं एम्पावरिंग बॉयज ऑन राइट वैल्यूज. गर्ल्स की हमेशा हम राइट वैल्यूज की बात करते हैं, बहुत ज्यादा उस पर बात होगी. कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ गया, या तो बॉयज पीछे छूट गए या उन्होंने चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया. कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि नहीं, बॉयज के अंदर ये बदलाव बिल्कुल आना चाहिए एंड इससे सोसाइटी में बहुत बड़ा फर्क आएगा? एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ बॉयज़ की नहीं, लड़कियों की भी है. एक्चुअली मैं कुछ आइडिया, जैसे कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ लोगों से सीखा है, कुछ किताबों से भी सीखा है, थोड़ा थोड़ा सबसे लेकर के मैं आपको कुछ बता रहा हूँ. कि जैसे कि कहते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल तब होता है जब वो इवेंट्स की बात करता है, ठीक है. उससे थोड़ा सक्सेसफुल तब होता है जब वो लोगों की बात करता है, और उस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तब होता है जब वो आइडियाज़ की बातें करता है. एंड आइडियाज़ नीड प्रोपगेशन, तो ठीक है. तो आइडियाज़ को हम जब प्रोपगेट करते हैं तभी हम कुछ बनते हैं आगे. तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोनों के लिए ये चीज़ लागू करती है. एब्सोल्युटली, मैंने आपको यही बोला, वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट. बट बिकॉज अगर हम एक अलग से सीरीज कर रहे हैं फॉर बॉयज, तो कौन सी ऐसी वैल्यूज बॉयज में होनी चाहिए जो आपको लग रहा है वो डिटेरिएट हो रहे हैं, और अगर उस पर काम हो जाए तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव फाउंडेशन हमें मिलेगा. बॉयज़ के अंदर एक कमिटमेंट आनी चाहिए अपने वर्क के लिए. अगर वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, ना कि सिर्फ वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इवन दे वांट टू बिकम अ पोएट, बिकम अ राइटर और सिंगर, वोकलिस्ट, म्यूजिशियन, फाइन आर्टिस्ट, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कमिटमेंट आना चाहिए कि पहले वो प्रायोरिटी को समझे कि प्रायोरिटी क्या है. Absolutely. पहले अगर वो ये सोचने लगे कि मैं सब कुछ बैलेंस करके चलूँ,
बिकॉज मैं आजकल के यूथ की बातें कर रहा हूँ कि आजकल लड़के क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं एसएससी की तैयारी कर लूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, साथ में जो मेरा किसी से रिलेशन चल रहा है मैं उसको भी बैलेंस करके चल लूँ. तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट. ठीक है, तो पहले दिस इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स माइंड कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग. ओके, तो अगर वाकई वो पैशनेट है तो पहली प्रायोरिटी उनका करियर है, पहले करियर अपना सेटल करो, उसके बाद आप जो है अपनी अरेंज मैरिज या लव मैरिज के बारे में आप सोचो. फैंटास्टिक. सो दे नीड टू बी मोर फोकस्ड अबाउट देयर करियर, देयर कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटीज. एंड ये देखना है आपको कि लाइफ इज इट्स नॉट अ गेम, यू नो, इट इज अ रिस्पांसिबल अफेयर. यू हैव टू मैनेज लाइफ ब्यूटीफुल. दैट इज रियली रियली वंडरफुल. अब हम आपसे आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, कुछ जैसे कि अब यूथ के लिए कुछ और भी बोलना था कि जब मैं क्लास 9 में था तो मैंने किताब पढ़ी थी, दैट बुक वाज इन सर्च ऑफ योर ट्रू सेल्फ, रिटन बाय वॉल्टर स्टेपल्स. तो मुझे उस बुक में कुछ याद ज़्यादातर नहीं है, मतलब दो चीज़ें मुझे सबसे अच्छे से याद हैं कि सबसे पहली मुझे चीज़ जो उसमें से याद है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी करें तो पहले उसकी मास्टरी कर लें. ठीक है, उस पर इतना वर्क कर लें कि उसकी मास्टरी कर लो. ठीक है, एक फील्ड पकड़ो, उसमें चीते बन जाओ ताकि उस फील्ड में आपकी डिमांड बढ़े. ठीक है, सेकंड है कि उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो. और थर्ड स्टेप इज टू टीच देम टू अदर्स. वंडरफुल. तो ये मतलब इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मुझे आज तक मुझे पढ़ा हुआ मुझे आज तक याद है. आपको याद नहीं है, आप उसको लाइफ में फॉलो कर रहे हैं सिकंदर, एंड दैट इज सो फैंटास्टिक. एंड यू वाज सच अ मतलब यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन. आप यू आर सच अ गुड रीडर एंड ऑल. ओके, सक्सेस के बारे में कुछ और भी बातें ये है कि सक्सेस इज, लोग सोचते हैं आजकल के लड़के लड़कियां भी सोचते हैं कि सक्सेस इज फाइनली बिकम अ डेस्टिनेशन. वो डेस्टिनेशन नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी. इट्स अ लाइफ टाइम सक्सेस कम्स एट बेस्ट प्लेसेस इन लाइफ. वो आपने कुछ ऐसा इतना काम कर लिया कि आपने कुछ अचीव कर लिया, तो वो भी एक सक्सेस है. आप इस सोच में बैठ जाओ कि नहीं, अब तो वो टाइम आएगा जब मैं एक बहुत बड़ा एक स्टार बन जाऊंगा या फिर बहुत अच्छा मैं वकील या डॉक्टर बन जाऊंगा. तो वो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे आप बनते जाएंगे, वही आपकी सक्सेस है. आप कोई मंजिल नहीं है, वो ट्रेन चल रही है. ठीक है, प्लेटफॉर्म बीच बीच में आते रहेंगे, वो धरना होगा, वो बस प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, वो फाइनल प्लेटफॉर्म नहीं आएगा. तो इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. That is so wonderful. अच्छा, एक चीज अभी हम जब मिस कर रहे थे, जब आपने याद दिला दी स्कूल की बात करके, स्कूल में आपने पहला गाना कौन सा गाया था? स्कूल में एक्चुअली हम लोग ग्रुप में ही गाते थे, बिकॉज जब भी 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त आता था तो हम लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने के लिए हम लोग को मोटिवेट किया जाता था क्लास में. तो कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐसे भी थे क्लास में जो मतलब सब कुछ कर लेते थे, पढ़ाई भी कर लेते थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे थे. तो उसमें मुझे ही खड़ा कर दिया, सिकंदर तुम खड़े हो जाओ. अच्छा, मैं पहले से ही खड़ा रहता था. कौन सा गाना आप लोग गाते थे? तो हम लोग सारे जहां से. अच्छा, नॉट सारे जहां से. अच्छा, हम लोग गाते थे ए वतन हमको तेरी कसम. दाकित सुनाइए ना लोलाई. ओके, आई विल प्ले ऑन दिस. वाओ. ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे. फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, ऐंट अपने सरों की सजा जाएंगे. ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे. Beautiful, and we salute all our soldiers, all our martyrs who laid down their lives for our security, for our motherland. So salute. Beautiful Sikander, wonderful, wonderful. तो हमने हाँ एक गाना जो आज वैलेंटाइंस डे के दिन आपके दिल के बहुत क्लोज है, हम सब जानना चाहते हैं. What's that song? It's a tall list, I know, but one song it always remains so special to heart. Do you have that? Yes, ma'am. बट एक्चुअली मुझे पुराने सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है. ठीक है, आपको सभी गाने मुझे पसंद नहीं, कम ही पसंद है. कम ही पसंद है, तो आप बताइए ना कौन सा गाना. मुझे मैं एक्चुअली मैं फैन रहा हूँ हेमंत दा का और रफी साहब का भी, किशोर दा का भी रहा हूँ. और ओपिनियर साहब के गाने मुझे बहुत पसंद है, उनके कंपोज किए और जिसमें उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन का काम किया. फिर साथ में मुझे मदन मोहन जी के गाने मुझे बहुत पसंद है.
तो उसमें एक गाना मुझे रफी साहब का मुझे बहुत पसंद है जो कि मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। मैंने निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने निगाहें छा रही थी तेरी महकी हुई ज़ुल्फ़ों Sikander, we are coming to the close of this face-to-face with Rashi. I would like to compliment you. जब आपसे पहली बार मिले थे हम आपको नहीं जानते थे, but you know आपका ये soft demeanor, एक इतनी सादगी, बहुत प्यारी सी smile, बहुत sweet light आँखों में जो बताती है कि दिल बहुत प्यारा सा है, ठीक है। हाँ, तो कुछ अपने मम्मी डैडी के बारे में बताइए। एक्चुअली मम्मी और डैडी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, और मतलब ये वीडियो भी कम ही पड़ेगा। तो मेरी मम्मी एक्चुअली शी वाज अ नर्स। ओके। तो बचपन से उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बट एक्चुअली बाद में थोड़ा बीमार भी पड़ गई। ओके। तो फिर मुझे मोटिवेट करती रहती थी अपनी मेरी लाइफ में, ताकि मैं कुछ और कुछ अलग करूं, कुछ नया करूं, ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से जीऊं, या फिर जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने वाला लड़का, सिर्फ पढ़ाकू, सिर्फ ऐसे ही बने। तो मोटिवेट मुझे करती रहती थी बीच बीच में। वो मतलब तो वो मम्मी का रिफ्लेक्शन बहुत आया है आपने। जी हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ नहीं, इतना तो नहीं बोलते हैं एक्चुअली। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो आर्ट म्यूज़िक तो लगते भी नहीं हो तो, लेकिन फिर भी आ गया पता नहीं कहाँ से। और मेरे ख़ानदान में किसी ने भी नहीं किया, किसी ने म्यूज़िक और आर्ट वगैरह, तो आई एम द फर्स्ट वन। और आपको यू ऑलरेडी नो बिकॉज आई लेफ्ट माई एडवोकेसी, तो एक सैचुरेशन पॉइंट था वो मैंने क्रॉस किया। तो फिर आई वॉज प्रैक्टिशनर इन हाई कोर्ट इन इलाहाबाद। तो इवन मैं एक्टिवली नहीं कर रहा हूँ, बट पैसिवली कर रहा हूँ वकालत। ठीक है, वो मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैं चीज़ को गलत नहीं मानता, कोई पैशन प्रोफेशन खराब नहीं है, अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना पैशन है। हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग सो मच सिकंदर। यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल एंड यू आर सो डेडिकेटेड, एंड आई शुड से थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम to me on this session. अच्छा चलिए अब थोड़ा सा जल्दी से प्यार की बात कर लेते हैं और वाइंड अप कर लेते हैं। इट्स वैलेंटाइंस डे, हम आपको कुछ गाने पूछेंगे सिकंदर, ठीक है। और आप एक्चुअली आई जस्ट वांट कि आखिरी गाने के साथ हम वाइंड अप करें। ओके ओके। तो अब थोड़ा सा हम इसको पकड़े रहते हैं। ओके। हम आपको सॉन्ग्स आई विल से, एंड उन सॉन्ग को सुनकर, उन लाइन्स को सुनकर आप मतलब वो गाना किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? ठीक है ठीक है। मैं एक्चुअली मैं कुछ प्लग कर रहा हूँ, तो अगर मेरे दिमाग में कुछ भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये ज़मीन रुक जाए, आसमान छुप जाए, यू वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू मम्मी। मम्मी, ओके, सॉल्यूट टू मामा। दिल है कि मानता नहीं, my lovely students. Okay, your adorable students, you must be feeling very fortunate and lucky and blessed. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। The whole artistic community.
wonderful. हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते. Unknown answer. Ajay, unknown. And last, nothing's gonna change my love for you. My whole students and my whole lovely family. Wonderful, Sikander. Thank you so very much. And before we say final bye-bye to you, ek aakhri peppy nice song with which we would wind up this face-to-face with Rashi. Thank you so much, Mr. Sikander Iqbal, Alexander Iqbal, now that mystery is clear to the world. And I wish you all the very best in life, Sikander. God bless you. One song. Okay. Sikander, your inspiration in life? Inspiration is my my mother and my elder sister, जिन्होंने मुझे motivate किया था fine art इस बनने में और इसमें इस फील्ड में आने में, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है. और मुझे आज भी याद है क्लास सेवेंथ में जब मैंने फर्स्ट टाइम उनके, बिकॉज शी वॉज अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो उनकी एक नॉवल थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उस नॉवल के पीछे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोर्ट्रेट थी. तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोर्ट्रेट बनाई थी. उसके बाद से उन्होंने जब ये देखा कि मेरा टैलेंट है तो मुझे और मोटिवेट किया. और आप समझिए उसके बाद तो सिर्फ कहानी ही है जो मैं आज तक कर ही रहा हूँ. क्लास फर्स्ट सेवन्थ की बात है, उससे पहले भी मैं बनाता था, लेकिन दैट वाज माय काइंड ऑफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. योर सिस्टर्स नेम? शमा फूमी. उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां जन्नत से. Bye.